अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा डियर स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर सिक्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट तो स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम को समझने के लिए स्टूडेंट आपने पिछली ग्रेड के अंदर कुछ एटम के बारे में पढ़ा होगा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वाट इज़ मैटर मैटर के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा एनी थिंग दैट ऑक स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर कोई भी चीज़ जो वजन रखे और जगह गेरे उस चीज़ को कहते हैं बच्चों मैटर आई होप इट इज क्लियर नाउ एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर वट एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आपके पास जो मैटर है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं बच्चों वो हमारे पास हैं एटम तो एटम को किस तरह डिफाइन करते हैं एटम को सबसे पहले जो ग्रीक फ़लासफ़र हैं उन्होंने पाँचवीं सदी के अंदर इसको सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है वो डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं दी वर्ड एटम इज़ डाइव फ्राम ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन इनडिविजिबल ग्रीक वर्ड ऐटमोस से एटम का वर्ड माखूज है जिसका मतलब है इंडिविजिबल इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बट विद दैसेज ऑफ टाइम जॉन डाल्टन जे जे थॉम्सन रदरफोर्ड एंड बोहर प्रजेंटेड डिफरेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वक्त के गुजरने के साथ साथ जॉन डाल्टन हो गए जे जे थाम्सन हो गए रदरफोर्ड और बोहर ने बहुत सारे एटम के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अपनी अपनी थियरी पेश की तो चलिए आजकल हम देख लेते हैं कि आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो एटम की क्या है एटम के अंदर क्या क्या होता है ये डिविजिबल है इनडिविजिबल है वट वट उसको देख लेते हैं तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन शो दैट एटम इज़ डिविजिबल एंड कंपोज़ ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो आजकल मॉडर्न जो जदीद थीरीज जो हैं आपके पास एटम के बारे में वो ये कहती हैं बच्चों कि एटम डिविज़िबल है इससे पहले हम यही समझ रहे थे कि एटम जो है आपके पास इनडिविजिबल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन हम आजकल की थीरीज़ के मुताबिक ये कहते हैं कि एटम डिविजिबल है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इसके अंदर और फर्दर थ्री पार्टिकल्स हैं जिनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन शो दैट एटम इज़ डिविजिबल एंड कंपोज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल दीज पार्टिकल आर कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड सब बेटामिक पार्टिकल आर फंडामेंटल पार्टिकल नोट डिसंट फॉर योर एम सी क्यूज ऐटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं जिनके नाम ये है प्रोटान न्यूट्रॉन एंड अलेक्ट्रॉन और इन पार्टिकल को बच्चों केहते हैं सब बेटामिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ वट ऐटम नाव प्रोटान एंड न्यूट्रॉन्स बच्चों प्रोटान और न्यूट्रॉ जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और मोस्ट ऑफ़ द मास जो होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है क्लियर होगी बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिजाइड इन द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज वाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज प्रोटॉन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता थर्ड पार्टिकल पे आते हैं अलेक्ट्रॉन अलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड डी न्यूक्लियस इन आर्बिट अलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास मदार के अंदर घूमते हैं जिस मदार एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं ऑर्बिट का नाम देते हैं और अलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो स्टूडेंट मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई एटम आर डिविजिबल, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मैन पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से एटम का मास्ट है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है जबकि अलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड अलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज इस एटम का जो मॉडल है उसको नेक्स्ट पेज पे मैं देख लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और कैसे मूव करते हैं बता देता हूँ मैं ये बच्चों ये आपके पास एक एटम है जिसके अंदर आपको शेल दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल डिफरेंट शेल्स हैं और इसके अंदर आपके पास न्यूक्स है न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको ये दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड देट शेल दिज आर शेल एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट शेल पार्ट एंड न्यूक्लियस न्यूक्स कॉन्टेन प्रोटान एंड न्यूट्रॉल शेल जस्ट कॉन्टेन अलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा माल है बहुत सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं आई होप एटम का जो स्ट्रक्चर है जो मॉडल है वो आपको क्लियर हो चुका है चलिए अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की किस तरह अरेंजमेंट होती है कहाँ कहाँ होते हैं इसको देख लेते हैं एज वी डिस्कस दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर पार्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट जैसा कि हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं उस पाथ को या तो शेल कहते हैं या उसको ऑर्बिट कहते हैं यह बात क्लियर है सेकेंड जो ऑर्बिट होते हैं बच्चों जो न्यूक्लियस के जो क्लोज ऑर्बिट होगा उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस से जो दूर होगा उसको उसके बाद जो आते हैं सेकंड उसके बाद जो आते हैं थर्ड उसके बाद जो आते हैं फोर्थ तो इसी तरह हम कहते हैं

तो कैसे स्टार्ट करने के इज फर्स्ट एल इज सेकंड एम एज थर्ड एन इज फोर्थ एंड सो ऑन तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए सबसे पहले आपको शेल के नाम पता होने चाहिए जो पहला शेल होता है उसको के शेल सेकंड एल शेल थर्ड एम शेल एन शेल ओ पी क्यू एंड सो so ऑन क्लियर होगी ये बात उसी को देख लेते हैं ये न्यूक्लियस आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या था न्यू, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन शेल शेल के अंदर अलेक्ट्रॉन्स अलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये ये जितने भी डॉट डॉट मैंने बनाए हुए हैं ये आपके पास क्या है ये आपके पास अलेक्ट्रॉन है ये जो न्यूक्लियस के सबसे करीब आपको ये शेल जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फर्स्ट शेल इसके बाद सेकंड इसके बाद थर्ड इसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन क्लियर है इसी तरह आगे जाएंगे जो फर्स्ट शेल है इसको एक और नाम देंगे के शेल सेकेंड को एल शेल थर्ड को एम एन ओ पी क्यू इसी तरह आगे ट्रेवल करेंगे क्लियर होगी बात अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर कितने आएंगे सेकंड के अंदर कितने आएंगे थर्ड के अंदर कितने आएंगे फोर्थ के अंदर कितने आएंगे उसको उसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है टू एंड स्केयर टू एंड स्केयर वाइल एन इज दंबर ऑफ शेल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को अगर आपने पहले शेल के फाइंड करने तो एन की जगह वन रखेंगे अगर आपने सेकंड शेल की इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो टू रखेंगे थर्ड के फाइंड करने तो थ्री रखेंगे फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन क्लियर है फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ इन आर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल नाउ पुट वन हेयर इन दिस फार्मूला टू वन और ऊपर स्केयर वन का स्केयर वन और टू वन धार टू तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों टू इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने वन टू इलेक्ट्रॉन कोई और तो नहीं है टू इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर कितने आएंगे टू सेकंड शेल है एन की जगह क्या रखेंगे टू 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 का स्क्यर फोर फोर टू जर एट तो इट्स मीन दैट सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एट चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर होगी सेकेंड के अंदर एट थर्ड के अंदर देख लेते हैं टू एन की जगह थर्ड शेल है थ्री थ्री का स्कर नाइन नाइन टू जार एटीन तो थर्ड शेल के अंदर एटीन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे एटीन इलेक्ट्रॉन्स एटीन इलेक्ट्रॉन अलेक्ट्रॉन गिनने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर एटीन आ गया तो इसी तरह हमने नंबर ऑफ शेल्स के अंदर अलेक्ट्रॉन्स वगैरह को किस तरह ऐड करने हैं ये भी आपको बता दिया तो आपने इस फार्मूले को लाजमी याद रखना है तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के हमारे मेन पॉइंट्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ द पैसेज ऑफ टाइम द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जे जे थॉमसन रदरफोर्ड एंड बोहर प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट शो दैट एटम आर कंपोज्ड ऑफ़ three types of particles that are called proton neutron and electron proton and neutron are responsible for the most of the mass of atom both proton and neutron reside in the nucleus proton and, uh, have positive charge while neutron have no charge electron revolve around the nucleus and which have negative charge now second main point is arrangement of electrons electron revolve around the nucleus in a particular path called orbit or shell the orbit near the nucleus is called first orbit and represented by k shell the next orbit are called second shell and it is represented by l shell m shell and so on third main point finding the electron find out the electron in shell electron can be find out in any shell with the help of 2n square formula 2n stand for number of shells if we find the number of electron in first shell so put 1 instead of n so we can find the number of electron in each shell with the help of 2n square formula now come to the homework student find out the number of electron in 4 5 6 and 7 shell फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर लें सेकंड आपने स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है उसका एक मॉडल एक कापी के पेज के ऊपर आपने बनाना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं प्रोटॉन कहाँ होते हैं आपने इसका एक मॉडल बनाना है तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपके पास जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है इनके चार्ज याद रखने ब्लैंक्स के अंदर ये पूछे जा सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा प्रोटॉन कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है टू पॉइंट थर्ड हर शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इस फार्मूले की मदद से वे तो ये तो बहुत ही सिंपल है ये आपको पता होना चाहिए ये आज के लेक्चर में इसी तरह के तीन क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं तो आई होप आपने मेन पॉइंट्स भी नोट कर लिए होंगे आई होप आपको क्लियर भी हो चुका होगा इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफ़